खुदा की फसल से पिछली बार जब अपन आए थे ना ये मंदिर में, तो सिर्फ अपन बाहर काच निकाल सके थे, तो बहुत सारे अपने वसंग के दोस्त वगैरह बोले, अरे बादशाह सिर्फ बाहर काच निकाला यार, अंदर भी जाके निकाल ले। तो चलो अल्लाह की फसल से अंदर जाकर निकालेंगे बोलते, वैसा तो अपन बंद। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट के वीडियो में। तो अल्लाह ताला के फजल से इस वीडियो की शुरुआत जो है अपन शंकरलिंग मंदिर से करें। पपाया वगैरह बेचे थे, अभी अपन इस गांव के सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे खतरनाक एरिया में आए, मतलब यहाँ की गल्ला बोला समझ में नहीं आते अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि अपने को अभी शाही मस्जिद को जाने का है। तो ये गांव का सबसे पुराना मुस्लिम एरिया है कसई गली। तो अभी मस्जिद को जाएंगे बोलते, यहाँ से सामने से रास्ता है अल्लाह ताला के फजल से, मस्जिद में जाको शाही मस्जिद की रिकॉर्डिंग करेंगे बोलते, अपने गांव की मस्जिद जैसा पुरानी मस्जिद है। चलो वैसे मैं असर का नमाज भी पढ़ने के अपने खुदा के फजल से पिछली बार जब अपन आए थे ना ये मंदिर में, तो सिर्फ अपन बाहर काच निकाल सके थे, तो बहुत सारे अपने वसंग के दोस्त वगैरह बोले, अरे बादशाह सिर्फ बाहर काच निकाला यार, अंदर भी जाके निकाल ले। तो चलो अल्लाह के फजल से अंदर जाकर निकालेंगे बोलते, वैसा तो अपन मंदिर का पूरा इतिहास पहला ज बोले लाई, पर माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन है ना, ऊपर का खुला था पहला, अभी अभी सभा मंडप बंधे ले शायद ये। सही में यार मैसिव है एकदम, माशाल्लाह जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करे लेना अल्लाह के फजल से। वही तो, और महात्मा गांधी जी आके गए ले, मतलब भारी रहने वाला है कि नहीं ये मंदिर। वही तो, कमाना बिमाना एकदम जबरदस्त है। वही तो, ए नंदी महाराज शंकरलिंग महाराज सिद्धेश्वर महाराज की मूर्ति लग रही हो, हाँ नीचे लिंग है ना शंकर लिंग। सही यार, बहुत पुराना है यार ये, नहीं अधिक तो 1927 में खोले लेना मंदिर है अल्लाह के फजल से, ये धानम्मा देवी का मंदिर है यहाँ अंदर। अच्छा भाई, तो महात्मा गांधी जी 1927 में इनोग्रेशन करे ये मंदिर का, 1927 मतलब पुराना रेंज वाला ना रे कंस्ट्रक्शन वगैरह अलग डोम वो। सही है एकदम, माशाल्लाह मंदिर है सही में जबरदस्त एकदम। वो शिवाजी महाराज के किले दिखा रहे देखो इसमें, स्वराज्य जननी जीता माता में, सेम वैसा किला दिख, वैसा दिख रहा है। घंटी बजाने का भूले जब, सही में अच्छा है मंदिर। चलो अभी अपने को शाही मस्जिद को भी जाने का अल्लाह ताला के फजल से। यहाँ से पपाया तो पहला बेचा मैं, पहला भी जाते जाते वीडियो बना को जाना बोले, तो अभी मंदिर का हुआ, अभी शाही मस्जिद को जाएंगे। चलो खुदा के फजल से अपन इस गांव की शाही मस्जिद में आए, बहुत ज्यादा बढ़िया ही है अल्लाह ताला के फजल से। हमारे गांव जैसी एक पुरानी शाही मस्जिद है, डेवलपमेंट में है, अभी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है इसका अच्छी तरीके से अल्लाह ताला के फजल से। अब भी चसर की जमात भी बोलते हैं, हमारी मस्जिद से भी बड़ा है इसका एरिया, देखो ना हमारी मस्जिद का एरिया इतना बड़ा नहीं है, हमारी मस्जिद का भी एरिया इतना बड़ा था अल्लाह ताला के फजल से, लेकिन बाद में गांव में मुल्ला वगैरह नहीं थे, तो वो सब लोगों को बाहर से बुलाए ना, तो उनको रहने के लिए जगह कैसा देना बोल के पड़ दादा उनको वहाँ मस्जिद के एरिया में बसे, तो मस्जिद के जगह पर उनको रखे ले अल्लाह ताला के फजल से। अच्छी है माशाल्लाह मस्जिद, बहुत बड़ी है ये। एक बार पढ़े सुमें यहाँ पर नमाज, जब हमारे जिब्बू दादा का ये था रसम था, क्योंकि ये उनकी सासुरवाड़ी का एरिया है, तो उनके रसम के टाइम को अपन आए थे यहाँ अल्लाह ताला के फजल से, तो तब एक बार अपन यहाँ पर नमाज पढ़े ले। बहुत बढ़िया है मस्जिद, बहुत ज्यादा बढ़िया है। हमारे सिर्फ तीन कमान है स्टार्टिंग के, एक दो तीन, ये मस्जिद को छह नौ कमान है अल्लाह ताला के फजल। पर यहाँ कोरियों का मत्ता नहीं है, बड़ी है मस्जिद लेकिन कोरियों का मत्ता अच्छा नहीं है यहाँ अल्लाह ताला के फजल से। सही है, अच्छी है मस्जिद यार, बढ़िया है। ये सबसे पुरानी मस्जिद है इस गांव की अल्लाह ताला के फजल से, जैसा हमारे गांव में जामा मस्जिद है वैसा ये गांव की ये जामा मस्जिद है। कुंबारी की जामा मस्जिद सबसे बेस्ट जामा मस्जिद है कौन से भी गांव में की, तो वो गांव की भी मस्जिद को अपने को जाने का इंशाल्लाह। मस्जिद कैसी भी रन दे, मस्जिद को आबाद करने वाले लोग अच्छे रहना पड़ता है। मस्जिद आलीशान बंद को क्या फायदा जब वो मस्जिद को अपन आबाद नहीं करते, तो है कि नहीं, मस्जिदों को आबाद भी करना जरूरी है। तो चलो अभी असर की नमाज पढ़ेंगे और बाहर जाएंगे बोलते, पपाया बच्चे से बेचने हैं। चलो
खुदा के फजल से असर की नमाज वगैरह भी पढ़ा। ये जो है ना अभी अपना तो एरिया, ये अपने जिब्बू दादा का सासुरवाड़ी है, अमली चुंगी एरिया। मतलब यहाँ पर उनका रसम हुआ था अल्लाह ताला के फजल से मस्जिद के बाजू में। और ये जो भी मस्जिद आई ना अल्लाह ताला के फजल से, आदिल शाह पहला बंदे से मस्जिद आई, 400 साल पुराने मस्जिद आई, जितने भी सोलापुर जिले में मस्जिद आई ना वो सब उसमें से मैक्सिमम जामा मस्जिद आदिल शाह पहला बंदे से मस्जिद आई अल्लाह ताला के फजल से, यानी 400 साल पहले शिवाजी महाराज के टाइम में। यहाँ पर हमारे जिब्बू दादा का जो है रसम हुआ था अल्लाह ताला के फजल से, तबच में पहली बार ये गली में आया था, उधर से आए थे हमें, हम रास्ता तो नहीं समझ सकते क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे छोटे गले हैं ना अल्लाह ताला के फजल से। इसलिए ये उनके पूरा सासुरवाड़ी का एरिया, अमली चुंगी एरिया। चलो आगे जाकर देखेंगे बेचे जाते क्या नहीं जाते, है कि नहीं। चलो खुदा के फजल से सब पपाया खत्म है, थोड़े बहुत बचे खराब ही वो। तो ये रास्ते से हमें जब पहली बार आए थे सिद्धेश्वर मंदिर के पास से जिब्बू दादा के रसम के वास्ते, तो बहुत कंफ्यूज हुए थे, हमने मालूम ही नहीं था ना। एक बार गमे भी गए थे, मैं अल्लू ऐसे फिरने निकले थे तो गमा गए थे उस दिन। अल्लाह ताला की फजल से यहाँ का मरियाई मंदिर है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये सबसे पुराने गलियों में से एक है, वह असंगों के सबसे पुरानी गलियों में से एक है ये एरिया। इसे क्या तो अलग अच नाम है कन्नड़ में, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे पुरानी एरिया में से एक एरिया ये पूरी। तो यहाँ पर बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे अल्लाह ताला के फजल से। तो कन्फ्यूज होता आदमी, नवीन आदमी आया ना उसे गल्ला समझ में नहीं आते, भूल भुलैया जैसे गल्ले हैं। पर माशाल्लाह अच्छे लोग हैं यहाँ सब, हमारे जिब्बू दादा की सासुरवाड़ी है पूरी, हो तो अच्छे ही लोग हैं। चलो अभी यहाँ से देखेंगे आगे और क्या है क्या, वहाँ की वीडियो निकाल को फिर सीधा घर को जाएंगे बोलते। चलो खुदा के फजल से ये च रस्ते से हमें आए थे, अच्छे का रास्ता ही है, और यहाँ से अंदर गए थे ऐसा गली में से। तो कंफ्यूज होता आदमी जब पहली बार आता ना यहाँ, कंफ्यूज होता। अभी सिर्फ होता शेवट का एक एरिया बचे थे अपना, उधर ऊपर बाजू का सिद्धेश्वर चौक के आगे का एरिया बचेला, अच्छे गो रोड की झोपड़पट्टी बची ली, वो इंशाल्लाह हरिजन बस्ती है अल्लाह ताला के फजल से। इंशाल्लाह वहाँ अम्बेडकर महाराज वो आके गए ले, ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आके गए सो मंदिर, ये अपनी जगह है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने पूजा करे सो क्या बोलते बौड़ी है। तो अल्लाह ताला के फजल से वहाँ जाको अपन अगे बारी वीडियो निकालेंगे बोलते। फिर चलो सिद्धेश्वर मंदिर तो इसी पहला अपन रिकॉर्ड करे सोचे, अभी सीधा घर को जाएंगे बोलते, बहुत ज़्यादा टाइम मिला है और अब्बा को भी गाड़ी लगती शाम को, है कि नहीं। चलो अल्लाह ताला के फजल से कितने बार आए अपन अच्छे गो रोड को, कितने बार अच्छे गो रोड पर ही बेच रहा हूँ मैं, एक महीना हुआ अच्छे गो रोड पर बेच रहा। पर दत्त मंदिर का वीडियो काटने का रहा था अपना अल्लाह ताला के फजल से, वही तो ये एक मंदिर बचा था अपना अल्लाह, वो समझ में नहीं आता कभी 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 ब्लाइंड स्पॉट पर कुछ जगह रहती है अल्लाह ताला के फजल से। ये एक मंदिर रहा था देखिए गाँव का शेवट, ये रोड पर का अच्छे गो रोड पर का ये दत्त मंदिर है गाँव का, यहाँ गणपति वगैरह भी बताती हूँ ना मैक्सिमम लोग यहाँ आज बैठे स्मृति डोमे के आग। और उसके साथ साथ ये जो है वो वट पूर्णिमा के टाइम को जो दोरे लगाती ना झाड़ को वड़ के, तो वो ये वड़ का झाड़ है अल्लाह ताला के फजल से। चलो अभी टाइम भी वेला है, बहुत देर में अपन थोड़ा देर वहाँ सिद्धेश्वर मंदिर के पास बैठा था, हमारे मामू आए थे तो अभी जाएंगे बोलते सीधा घर को, बहुत ज़्यादा देर भी ले। चलो खुदा के फजल से अभी इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आया है, मगरिब की अजान भी हो रही, मगरिब की अजान की आवाज़ आ रही। अब यहाँ से पहला गए कि मगरिब की नमाज पढ़ेंगे बोलते अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो जगह है ना, ये अपना उधर जो टोल नाका वेला है वो टोल नाका के जो विश्रांति के वास्ते जो है ये जगह बने थे अल्लाह ताला के फजल से। यहाँ पर हॉस्पिटल, फिर उसके बाद हेल्पलाइन सर्विसेज, होटल वगैरह ऐसा कुछ तो होने वाला है बोलते, देखेंगे क्या होता। अभी बैनर वगैरह भी नहीं लगे, और यहाँ फोटोशूट के वास्ते बहुत सारे लड़के वगैरह आते हैं हमारे गाँव के पर्सन के वगैरह, फोटोशूट के वास्ते बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरा भाई भी बहुत सारे फोटोज निकाले यहाँ पर, उसका इंस्टाग्राम हैंडल है दिशान पाटिल बोल के है, द दिशान पाटिल बोल के है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फोटो निकाले ला उन्हें अल्लाह ताला के फजल से। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर फोटो शूट वगैरह करे ले। तो शुक्रिया इस पूरे ब्लॉग को देखने के लिए, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है, इसमें बताई गई पूरी माहिती पसंद आई है, तो इस ब्लॉग को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए गांव में। जय हिंद।